नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे सेल का सीरीज कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में। तो हमारे पास ये 1.5 वोल्ट के तीन सेल है, कितने हैं? तीन। तो एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्टेज है, दूसरे का 1.5 वोल्टेज है और तीसरे का भी 1.5, तो तीनों का कुल मिला के 4.5 वोल्टेज जितना होगा। तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज कभी किसी जगह चाहिए, तो सेलों को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो हमारे पास ये सेल है, इसके प्लस और माइनस दो एंड्स होते हैं। आपको इसमें अभी दिखा सकते हैं कि प्लस और माइनस कहाँ पर है। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो इस हिसाब से प्लस माइनस, तो इस तरह से हम सेल को ये सीरीज में रख देते हैं। अभी हम मल्टीमीटर लेंगे, देख रहे हैं आप ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर से क्या करने का है हमें कि डीसी वोल्टेज है सेल के, तो हमें डीसी रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और इसमें हमें दो है और बाद में 20 है, तो यहाँ पर 20 की रेंज पे रखेंगे। और अब हम इसके वोल्टेज मेजर करेंगे, तो देखते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 point something वोल्टेज सब दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, तीनों सेल को जब सीरीज में लगाते हैं तब इस हिसाब से वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो सेलों को सीरीज में जोड़ने का रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।